Good evening, friends. So today I'm going to continue the chapter, and today we are going to do the next topic, and that is classification of literary sources. लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बार क्विक रिविजन कर लेना चाहिए. तो कल हम लोगों ने देखा था कल्हान के बारे में और उनका जो वर्क था रास तरंगनी, जिसको कि 8 कैंटोन्स में बांटा गया और हर एक कैंटोन्स को तरंग कहा गया है. और इस वर्क को लिखने में उनको करीब 2 साल लगे थे और इसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1148 CE से लेकर 48 CE में स्टार्ट कर दिया था इसको. लगभग इनको 2 साल लगे थे जैसे कि मैंने आपको बताया. तो 1150 CE में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था. और इस बुक को लिखते समय जो इन्होंने सोर्स इस्तेमाल किया था वो आपको था मैन्यूस्क्रिप्ट था, इंस्क्रिप्शन था, क्वाइन था, आपको कुछ मॉन्यूमेंट का भी इन्होंने अध्ययन किया था, प्लस यहाँ पे जो भी लोकल ट्रेडिशंस चल रहे थे या कस्टम्स तो उनको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था इस बुक को लिखते समय. ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया है कि इस बुक को उन्होंने एक जज के रूप में लिखा है, कि जिस तरीके से एक जज के फैसले पे हम लोग उनकी सवाल नहीं उठा सकते, मतलब उनकी निष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकते, उसी तरीके से इन्होंने बिना बायस हुए, बिना कोई अपने दिमाग में प्रेजुडिस रखे हुए किसी के खिलाफ, इस बुक को उन्होंने बिल्कुल जो भी सही तथ्य था, जो भी सच्चाई था, उस चीज़ को उन्होंने उजागर किया. और यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी मिलेगा किंग का, डायनेस्टीज का, अलोंग विद दैट यू विल गेट द पॉलिटिकल हिस्ट्री. ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे आपको जोग्राफिकल हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं आपको मिलेगा, जैसे कि इन्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने लिखा है. ठीक है, फ्लावर फौना ये सब प्लांट प्लांट के बारे में, फ्लोरा फौना, फिर प्लस वहाँ पे क्या माउंटेन्स थे, वैलीज, रिवर्स, ये सब का भी उन्होंने जिक्र किया है अपने वर्क में. ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान. और इनको कहा गया है एज अ, मतलब इन्हीं को डिस्क्राइब किया गया कि ये इंडिया के सबसे पहले हिस्टोरियन हैं. ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. तो लिटरेरी सोर्सेज में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ टेक्सचुअल फॉर्म, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ओरल इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिट किया जा रहा है वो भी लिटरेरी सोर्सेज के अंदर ही फॉल करेंगे. साथ ही साथ आप देखिएगा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कौन से चीज आएंगे. तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में जो भी मटेरियल्स है, जो भी टेंजेबल थिंग है, वो सब के सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगे. जैसे मॉन्यूमेंट हुआ, पॉइंट्स हुआ, इंस्क्रिप्शन हुआ, ये सब एक जगह आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ था कि जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जो भी चीज़ें लिखे जा रहे हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लिखे जा रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में भी डाला जाता है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ का क्लियर कट आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन कर रखे, एक लिटरेरी सोर्सेज और एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. आगे चलते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हिस्टोरियन का क्या काम है, तो हिस्टोरियन का काम है कि हम लोगों को मतलब कि हिस्ट्री के समीप ले जाना. ठीक है, वो किसी एक पॉइंट पे ले जाके हम लोग को नहीं छोड़ सकते, मतलब कि उसके आस पास ले जाके खड़ा कर देंगे. ठीक है, उसके अलावा आप देखिएगा जो भी मतलब कि आपका ये हिस्ट्री है वो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन पे खास करके डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से मतलब कि इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपके सामने आ रहा है. ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जब कहीं पे भी मिलते हैं तो उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है. वहाँ पे कहीं पे भी चीज़ मतलब क्लियर कट आपको नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं जिसको इंटरप्रेट किया जाता है. ठीक है, उसके अलावा आप देखिएगा तो किसी भी कंट्री का जो पास्ट है वो मतलब कि एकदम सिंपल नहीं है. ठीक है, एकदम दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे कोई भी आपको फाइनल हिस्ट्री नहीं मिलेगा, ना ही परफेक्ट हिस्ट्री मिलेगा, और ना ही आपको कोई सिंगल हिस्ट्री मिलने वाला है किसी भी कंट्री की आप बात कर लीजिए. ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ कॉम्प्लेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो कि डिबेट का के टॉपिक्स बन गए हैं. ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं. जैसे फिर मैंने आपको कल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कौन कौन से यहाँ पे आपको डिप इस्तेमाल किए गए थे, तो 2 काफ़ी प्रोमिनेंट डिप थे, टेलीपोर्ट और पामिया. उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पेपर सबसे पहले इन्वेंट हुआ था चाइना में, लेकिन इंडिया में एक पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुआ था आपको वो था कश्मीर रीजन. ठीक है, और कब हुआ था ये अराउंड 1417 के लगभग मैं कह रहा हूँ. ठीक है, एग्जैक्ट यही डेट नहीं है, कुछ साल आगे पीछे हो सकता है. ठीक है, तो लगभग इसी के समय 49 दैट इज ओके 13 सेंचुरी के 13 to 14 सेंचुरी के लगभग में आपको ये चीज हुआ था. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जियानून अबुद्दीन करके ये सुल्तान थे जिनके समय ये पेपर इंडस्ट्री लगा था. कहाँ?
कश्मीर में लगा था, ठीक है। और पेपर इंडिया में कब आया था, 12th से लेके 13th सेंचुरी के लगभग में ये पेपर इंडिया में आ चुका था। उस समय दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, शासन चल रही थी, ठीक है। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पामियाली और ये थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको थिन है, ड्यूरेबल है, फ्लेक्सीबल है और साइज में भी थोड़ा बड़ा, जैसे कि डायमेंशन यहाँ पे आपको दिखा हुआ है 92.8 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो कवर है ये किस चीज का ज्यादातर बना रहता, तो ज्यादातर ये वुड और पेटियोल्स का ही मिलेगा, बहुत रेयर केस में आपको एवरी का भी मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि इस पे किस तरीके से लिखा जाता था, इसको कैसे वाइंड अप किया जाता था, तो कल मैंने आपको बता दिया था कि ये पैरेलल लिखे जाते थे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये दो दो तीन तीन कॉलम में ऐसे करके मिलेंगे, कहीं दो कॉलम में, कहीं कहीं पे आपको ये तीन तीन कॉलम में भी आपको मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। प्लस इसको लिखने के लिए जो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया गया था वो स्टाइलस, जिसको कि मैंने आपको कल बताया था, ये पेन लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप लोग लिखते हैं। उसके बाद वेजिटेबल जूस और चारकोल का हम लोग पेस्ट बना के इसके ऊपर लेप लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का फंगस या फिर आपको डस्ट या फिर बैक्टीरिया से ये अगर डैमेज होता है ये पूरा मैन्युस्क्रिप्ट, उसको बचाने का क्या तरीका है, हम इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको केमिकल देते हैं, थाइम ऑयल, क्रोमेट सॉल्ट, सॉरी क्लोरोमेट सॉल्यूशन हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, फॉस्फिन गैस हुआ, आपको इथाइलिन ऑक्साइड हुआ, सॉल्वेंट में आप जैसे कि जानते हैं वाटर इज वेरी कॉमन, उसके बाद डिटर्जेंट है, फिर इथाइल अल्कोहल है, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे फ्यूमिगेट करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड पे इस्तेमाल किया जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये सब मेथड है कि आप कैसे इस चीज को आप बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो देखे थे कि यहाँ पे टाइमलाइन मैंने आपको बताया था, और प्लस आपको ये भी बताया था कि वेद क्यों लिखा गया था, ये सब चीज। प्लस यहाँ पे आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं काफी हाईलाइट किया हुआ हूँ चीज को, आप पॉइंट भी देख सकते हैं ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं आपको ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए, तो ये एक है लैंग्वेज, एक है जॉनरा और एक है कंटेंट के बेसिस पे। अगर आप लैंग्वेज को देखिएगा तो यहाँ पे एक आपको टर्म यहाँ पे मिलेगा, ये है आपको फिलोलॉजिस्ट, और यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक। देखिए लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है कि जो लोग लैंग्वेज का पढ़ाई करते, देखिए फिलोलॉजी सॉरी फिलोलॉजिस्टिक भी जो है वो लैंग्वेज का ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये लोग ओल्ड लैंग्वेज का पढ़ाई करते हैं, जो लैंग्वेज आज उतना प्रेवलेंट नहीं है। जैसे कि आज के समय अगर कोई बोल दे फारसी या फिर आप देख लीजिए पर्शियन, तो ये सब उनकी काफी उनकी पुराने लैंग्वेज मतलब ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा उसी लैंग्वेज में लिखा गया, या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब जो भी स्क्रिप्ट है ये सारे पुराने हो गए, और ये जो भी लैंग्वेज है तो इस लोगों जो इसका अध्ययन करते हैं उसको फिलियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पे कि लैंग्वेज को कितने फैमिली में बांटा गया, तो लैंग्वेज को बेसिकली फोर फैमिली में बांटा गया इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा ये, और ये दो लैंग्वेज फैमिली जो है, ये दो फैमिली काफी बोल्ड लेटर में यहाँ पे हाईलाइट की हुई, जैसे इंडो यूरोपियन फैमिली हुआ और द्रविडियन फैमिली। लेकिन दो ऐसे भी फैमिली है जिसको मतलब कि काफी सिंपल वे में इस बुक में लेके चला गया, वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली और तिब्बतो बर्मिस फैमिली, ठीक है। तो ये दो फैमिली थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूं, या नाउ लेट मी यूज हाइलाइटर, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली एंड वन यू विल गेट हियर तिब्बतो बर्मिस फैमिली। तो ये दो फैमिली भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे आइए हम लोग देखते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन से लैंग्वेज फॉल करेंगे, जो आज भी उनके प्रेवलेंट है, आज भी उनके दिनचर्या में हम लोग वो भाषा को सुनते हैं या फिर मतलब कि उसके समय, जैसे कि आप देख लीजिए हिंदी को देख लीजिए, मराठी देख लीजिए, गुजराती देख लीजिए, नेपाली देख लीजिए, उड़ियाई देख लीजिए, असमी देख लीजिए, बंगाली देख लीजिए, सिंधी देख लीजिए, तो ये सब जो भी, या फिर कश्मीरी को देख लीजिए, तो ये सब जितने भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं तो ये सब किसके अंडर फॉल करेंगे, तो ये सब फॉल करेंगे आपको इंडो यूरोपियन फैमिली के अंतर्गत ये फॉल करेंगे। और जैसा कि ये केवल इंडिया ही नहीं, जैसे यहाँ पे इसका नाम आप देख सकते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली है, तो यहाँ पे यूरोप
मतलब कि एशिया और यूरोप से भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। जैसे कि आप फॉरेन लैंग्वेज में आप चले जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लैटिन, जर्मन, आर्मेनियन, इटालियन, स्पेनिश, डच, ये सब आपको देखिए, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, डच, इटालियन, स्पेनिश, आर्मेनियन, ये सब के सब इसी के अंडर फॉल करें। किसके अंडर? यूरोप, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संस्कृत नहीं दिखा, पाली नहीं दिखा और प्रकृति प्राकृत नहीं दिखा, तो ये भी फॉल करते हैं इसी के अंडर। लेकिन संस्कृत का एक के स्पेसिफिक ब्रांच में चला जाता है संस्कृत, और उसका नाम है इंडो यूरानियन ब्रांच। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडो यूरानियन ब्रांच, ये संस्कृत इसी के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं द्रविडियन फैमिली। तो साउथ इंडिया में जितने भी लैंग्वेज है वो सब के सब द्रविड़ियन फैमिली से आते हैं, और ये काफी कॉमन है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि साउथ इंडिया में नहीं बोले जाते हैं और किसी और रीजन में। एक तो ऐसा है कि वो आएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही, लेकिन आज के समय वो दूसरा कंट्री बन गया है। आफ्टर 1947 आई थिंक यू माइट कॉट दी आंसर, दैट इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, ब्रहू, ओके, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, ब्रहू, ओके। तो ये आपको बोला जाता है बलूचिस्तान रीजन में, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग कर रहा है द्रविडियन फैमिली से, ठीक है। प्लस अब सेंट्रल इंडिया में अगर आप आ जाइएगा तो वहां पे आपको एक गोंडी, जैसे कि ये आप यहाँ देख रहे हैं, गोंडी नाम करके है, और ये कहाँ पे बोला जाता है? सेंट्रल इंडिया में। और अगर आप ईस्टर्न इंडिया में आप चले जाइएगा तो एक स्पेसिफिक लोकेशन है, राजमहल हिल, ठीक है। तो ये राजमहल हिल के पास आपको माल्टो, माल्टो लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो माल्टो और गोंडी, ये दो ऐसे लैंग्वेज है जो इंडिया के अंदर बोले जाते हैं, लेकिन ये साउथ इंडिया में ना पढ़ के ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे, किस लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग, तो ये फॉल करते हैं द्रविडियन लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी लैंग्वेज हैं जो कि मतलब कि हाईलाइट नहीं किए गए, सॉरी, फैमिली है जो कि हाईलाइट नहीं किए गए, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लैंग्वेज आएंगे और ये किस पार्ट में बोला जाता है? तो ये ज्यादातर आपको बोला जाता है ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज आपको मिलेंगे? तो यहाँ पे आपको मिलेंगे खासी, मुंडारी, देन यू विल गेट संथाली। तो ये सब ज्यादातर आपको मिलेंगे, जैसे संथाली हुआ, खासी हुआ, मुंडारी हुआ, तो ये सब आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते। इसके अलावा भी आपको फैमिली मिलेगा ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये हो जो है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट जो बना हुआ है, कितने परसेंटेज लोग मतलब बोलते हैं, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब आ जाते हैं तिब्बतो बर्मिस फैमिली में। जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं तो ये ज्यादातर आपको बोले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गारो हुआ, फिर बोडो हुआ, लुसाई हुआ, मणिपुरी हुआ, इवन संथाली, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना संथाली, तो ये दोनों में फॉल करता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि संथाली किसके अंडर फॉल करता है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए तिब्बतो बर्मिस है और यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है। देखिए यहाँ पे संताली का पोर्शन आप देखिए कितना पोर्शन है, इतना। तो अगर आपको ऑप्शन में दिखे कि संताली किस फैमिली से बिलोंग करता है, और वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिख जाए कि ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है और तिब्बतो, तो वहाँ पे आप मार्क कीजिएगा इसको, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है, रादर देन तिब्बतो बर्मिस फैमिली। क्योंकि यहाँ पे अगर आप संताली का देखें तो ये देखिए कितना कम पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये, अगर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए कि तिब्बतो बर्मिस फैमिली का वहाँ ऑप्शन नहीं है और वहाँ पे चार ऑप्शन में एक नन भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप नन मार दीजिएगा और वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संथाली आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में भी फॉल करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि किसी भी फैमिली के अंदर फॉल नहीं करता, वो है अंडमानीज, ठीक है। और ये जो अंडमानीज जो लैंग्वेज है, ये खास करके आपको बोला जाता है अंडमान आइलैंड में, ठीक है। और अभी तक, ठीक है, अभी तक ये किसी भी फैमिली का हिस्सा
हिस्सा नहीं बना, लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा नहीं बना, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आज के डेट में भी, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, अंडमान इज वन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन द अंडमान आइलैंड, इज नॉट अपेरेंटली रिलेटेड टू एनी ऑफ द नोन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। जितना भी फैमिली आज के डेट में नोन है, उसमें से किसी के भी अंदर ये फॉल नहीं कर रहा, किसी के भी अंदर ये नहीं सुटेबल हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपको एक और टर्म मिलेगा यहाँ पे, अपभ्रंश। ओके, तो ये जो टर्म है ये क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, तो ये बता रहा है आपको प्राकृत लैंग्वेज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं अप टू फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। ओके, तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी सी में जो भी डेवलपमेंट आपको दिख रहे, किस किस में, तो प्राकृत में, तो इसके लिए ये टर्म आया है अब भूमशा। ओके, सो नाउ एंड वी हैव सीन दिस, और आगे आप बढ़िएगा तो एक चीज मैं हाईलाइट किया हुआ यहाँ, तमिल हैज द ओल्डेस्ट लिटरेचर। तो किस फैमिली के अंदर तमिल, तो द्रविड़ियन लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है वो है तमिल, और तमिल में भी अगर आप देखिएगा तो सबसे वो है तोल्काप्पियम। तो हम लोग उस पे आएंगे, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पैसेज में, ठीक है। और तमिल के बाद सबसे ओल्ड लिटरेचर आपको मिलेगा कन्नड़ का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो डेट आप देख रहे हैं 1000 to 1500, असल में ये डेट बता रहा है कि जो भी इंडिया में रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुए वो सब इसी एरा में डेवलप हुए, इसी के बीच डेवलप हुए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये पोर्शन है, इतने लोग हिंदी बोलते हैं, सबसे ज्यादा है 40.2%। ओके, तो इन द सेम वे यू कैन मार्क आउट के बंगाली कितने लोग बोलते हैं, मराठी कितने लोग बोलते हैं, और ये सब के सब आपको क्या है, यहाँ तक आप ये जो देख रहे हैं ना, लेट मी चेंज दी कलर या रेड, तो ये आप जो भी देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन ये है आपको इंडो यूरोपियन, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये द्रविडियन है, ठीक है। तो तमिल, तेलुगु, तेलु, तुलु, मलयालम, कन्नड़, ये सब आपको द्रविड़ियन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है, तो तेलुगु का है, ठीक है। तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तमिल थोड़ा कम है, ठीक है, 6.3% है, नो कमिंग। तो आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं संस्कृत के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वेद और तुलसी, सॉरी, कालिदास का पोएट्री या तुलसीदास का पोएट्री, ये दोनों के दोनों संस्कृत में ही लिखे गए हैं। क्या इन दोनों के वर्क में या इन दोनों के जो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल किया संस्कृत का, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? तो जी, उसमें डिफरेंसेस है। तो आप देखिएगा कि जो वेद है, ऋग्वेद या फिर कोई भी वेद, कोई भी एंशियंट टेक्स्ट जो भी लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज, वो असल में वो प्री क्लासिकल संस्कृत है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा डिफरेंसेस क्या है प्री क्लासिकल और क्लासिकल संस्कृत में, ठीक है। तो प्री क्लासिकल संस्कृत में आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का आपको कोडिफिकेशन नहीं मिलेगा, रूल का कोडिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जैसे ही आप क्लासिकल संस्कृत में आएंगे तो वहाँ पे आपको कोडिफिकेशन ऑफ रूल मिल जाएगा, ठीक है। कोडिफाई कर दिया गया, कुछ नियम्स बना दिए गए, और ये कब कोडिफिकेशन कब हुआ, तो ये सब कोडिफिकेशन हुआ है आपको 5th या 4th सेंचुरी BC में, ठीक है। और उस समय कोडिफिकेशन कौन किए थे इस पूरे चीज को, तो उसको किए थे पन्नी, ठीक है। ये पन्नी नाम के महर्षि है, स्कॉलर है, इन्होंने एक बुक लिखा था अष्ट अध्याय, ठीक है। देखिए इसका क्रोनोलॉजी थोड़ा याद रखिएगा, पन्नी ने सबसे पहले ये बुक लिखा था अष्ट अध्याय, और पन्नी के बाद एक आएंगे आपको पतंजलि, देखिए ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, और इन्होंने लिखा था महाअभ्यास, ठीक है। और इनका वर्क आया था 2nd सेंचुरी BC में, तो ये दोनों को आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। अष्ट अध्याय पहले आया था 5th to 4th सेंचुरी के बीच में, ये कंपोज हुआ था, महाअभ्यास उसके बाद कंपोज हुआ था, ठीक है। और ये दोनों किस चीज को कोडिफाई करे, तो ये दोनों कोडिफाई कर रहे किसको, संस्कृत को। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल पन्नी ही थे, ठीक है, इनके अलावा भी और भी लोग थे जो कि इसके ऊपर काम, लेकिन ये बाकी सबको सरपास कर दिए, मतलब उसको एक्लिप्स कर दिए, मतलब ये इतने फेमस और प्रोमिनेंट हो गए थे कि मतलब इनके आजू बाजू में के जो भी लोग थे इनके साथ में कंटेम्प्रेरी थे, तो वो मतलब कि कोप अप नहीं कर पाए इनके साथ, मतलब कि रेस में नहीं आ पाए, और ये मतलब कि सस्टेन कर दी, सस्टेन किए उस समय,
और आज हम लोग इनके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनके अलावा भी थे लेकिन इन्होंने उनको सर्वपाल, फिर अब पतंजलि थे तो पतंजलि जब ये महाभ्यास के थे तो इन्होंने इनका भी जिक्र किया। पनिका इनको मतलब कि बहुत मतलब कि बड़ा विद्वान या फिर अपना गुरु के रूप में इनको ये मतलब कि एक एज अ गेस्चर शो किया है इनके प्रति। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर कौन सा है, तो ये है आपको प्रकृत प्रकाश। ये प्रकृत प्रकाश इसको किसने लिखा है, तो वरारुचि। ओके, वरारुचि के द्वारा ये प्राकृत प्रकाश लिखा गया। और ये प्राकृत प्रकाश किस ग्रामर पे, तो प्राकृत ग्रामर पे। इसका डेट थोड़ा डिबेटेबल है। ओके, तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस एरा में या किस सेंचुरी में है, तो ये डिबेट का एक टॉपिक है, तो इसको हम लोग यहाँ छोड़ते हैं। फिर आगे आप आ जाइए तो संगम पोएट्री, ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम मॉडर्न तमिल। देखिए आज के डेट में जो तमिल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना साउथ इंडिया में, वो ये तमिल, और संगम पोयम जिस तमिल में भाषा में लिखे वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, जब आप उस टेक्स्ट को रेफर, तो इसमें आप देखिएगा सबसे ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया था द्रविड़ियन लैंग्वेज फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट था तमिल। और तमिल में भी आपको मिलेगा तो तोलका पियम, और ये तोलका पियम जो है, ये तोलका पिया ये महर्षि अगस्त के शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये तमिल ग्रामर का एक पार्ट है, जो कि आपको बैक टू फर्स्ट अर्ली सेंचुरी सीई में आपको ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जो भी आप अभी तक पढ़े हैं अभी तक में, वहां पे आपको कहीं पे भी रिलीजन का कॉन्सेप्ट या रिलीजियस वर्ड नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारे एंशंट इंडियन टेक्स्ट जो हैं आप देखिएगा तो ज्यादातर रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में कभी मतलब कि क्लासिफाई किए ही नहीं गए थे ज्यादातर, लेकिन कभी कभी सम टाइम कभी कभी देखा गया कि रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा तो किसी भी तरीके का ऐसा वर्ड जो रिलीजन, ये जो आपको फॉरेन वर्ड या फिर आप कहिए तो वेस्टर्न में, आपको इसका काफी मतलब कि दिखेगा। और ये बता रहा है एक ग्रेट इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है, तो ये दे रहा है बिलीफ को। ये वर्ड जो है ये काफी इम्पोर्टेंस दे रहा है बिलीफ को, और ये कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड और रिजिड चीज को शो कर रहा है। क्या इंडिया में एंशियंट टाइम में ऐसा कोई वर्ड्स था जो कि इसको बिल्कुल मैच कर रहा, तो ऐसा हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं था जिसका ये मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, ये सजेस्टेड बिलीफ का या फिर रिजिड इन्वायरमेंट का, ठीक है, रिलीजन। हमारे पास जो भी वर्ड्स मिले, जैसे संस्कृत में एक वर्ड हमको मिला है धर्म, और पाली में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है धम्मा। ठीक है, तो ये काफी ब्रॉड रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, ये हमको बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे वराइटीज में, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गया है, सोशल प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, किस ऑब्जेक्ट को और किस वे में उसको वर्शिप करना है इसके बारे में बताया गया है, रिचुअल्स क्या होंगे, ट्रेडिशन क्या थे, और फिलोसफिकल आइडियाज के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा टर्म रिलीजियस जो कि एक ये में बांध दे दे, वैसा कोई भी शब्द हमारे पास अभी तक नहीं मिला जिसका सेम मीनिंग निकलता हो, जो शब्द जो रिलीजन का निकल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एंशियंट टाइम में जो भी उस समय के लोग थे, जो भी उस समय के सोसाइटी थे, वो कभी भी क्लियर कट या फिर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं मेंटेन किए कि वो रिलीजियस है या फिर सेकुलर, जिससे आज हम लोग काफी रूबरू हैं। ओके, वी आर अवेयर ऑफ इट, व्हाट इज रिलीजियस एंड व्हाट इज सेकुलर। ओके, बट इन एंशियंट सोसाइटी देयर वर नो सच डिस्टिंक्शंस मेड। ओके, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ कमिंग फर्दर, सो हियर यू विल गेट समथिंग टू नो अबाउट वेदास। सो इट इज वेरी वेल नोन एंड एवरीबडी इज नोइंग फोर वेद्स। ओके, सो आई विल बी गोइंग इन अ वेरी सिंपल वे,
ऑलरेडी आई एम गोइंग अ वेरी सिंपल वे। तो आइए देखते हैं ये वेद किसके अंडर फॉल करेगा। तो ये इसका स्टेटस फॉल होता है अंदर श्रुति, जिस चीज को आप सुन रहे हो। ओके दैट मीन्स यू आर लिसनिंग, यू हैव हर्ड दैट थिंग। ओके और स्मृति में क्या फॉल करेगा, तो स्मृति में आपको फॉल कर देगा। देखिए स्मृति का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना या फिर याद करना, ठीक है। तो उसमें आपको धर्मशास्त्र आ जाएगा, नीति शास्त्र आ जाएगा, पुराण, इपिक, वेदंगा, ये सब आपको आ जाएंगे स्मृति में, ठीक है। और ये वेद का कंपोजिशन किस तरीके से हुआ है, तो कहा जाता है ये मतलब कि महर्षि लोग जब भी ध्यान करते थे तो उनकी वार्ता हुआ करते थे या फिर जो भी उनके अंदर विचार आए करते थे उसको लिखते थे, ठीक है। कहा जाता है कि वहां से ईश्वर की वाणी आती थी और इसी को उन्होंने वेद में लिखा है, ठीक है। सो नाउ कमिंग फर्दर, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वेद का जो रूट वर्ड है ये है वेद, और इसका मतलब होता है कि आपको जानिए, टू नो, ओके। और देखिए लिटररी इसका मतलब होता है कि वास्तविक में इसका मतलब होता है कि आपको जानिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मतलब ज्ञान, नॉलेज, ओके। तो चार वेद हैं, तो उसका क्रोनोलॉजी आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ओके। तो ऋग्वेद में आपको सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री मिलेगी, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री हमको मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल ब्यूटी और फिलोसफिकल डेप्थ के बारे में हमको यहाँ पे विवरण आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको ऋग्वेद में अराउंड अराउंड 1800, सॉरी नॉट 1800, 1028 हिम्स यानी कि सूत्र आपको मिलेंगे। हर एक वेद के चार पार्ट हैं, सी ईच वेदास हैज फोर पार्ट, और जो लास्ट का थ्री पार्ट्स है, आप जो देख रहे हैं लास्ट के जो थ्री पार्ट्स आप यहाँ पे देखेंगे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं, दे आर ब्लेंडेड इनटू ईच अदर, मेल खा रहे हैं, ओके। तो सबसे पहला पार्ट देख लीजिए संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण है, अर्यंकन सॉरी अरण्यक है, फिर उपनिषद है, ठीक है। तो हर एक वेद में आपको यहाँ पे मिलेंगे संहिता मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, अरण्यक मिलेंगे और उपनिषद मिलेंगे। देखिए अरण्यक को यहाँ पे फॉरेस्ट फायर भी कहा गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो सामवेद आप देख रहे हैं ना, तो सामवेद में बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं, जो बहुत सारे जो हाइम्स हैं, सूत्र हैं, वो आपको लिए गए हैं किससे, वो आपको लिए गए हैं ऋग्वेद से। तो इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि सामवेद और ऋग्वेद के कंपोजिशन में काफी लंबा गैप रहा होगा, इसीलिए वहां से कुछ चीजों को उठा के यहाँ पे बोरो किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज हाइम्स है, यहाँ पे इसका एक म्यूजिकल नोटेशन के ऊपर मतलब कि इसको अरेंज किया गया है, ऑल्दो जो ओरिजिनल म्यूजिकल नोटेशंस है वो आज मौजूद नहीं है, वो कहीं गुम हो गए हैं, ठीक है। ओरिजिनल मेलोडीज आर हाउएवर लॉस्ट, ओके। अब आ जाते हैं यजुर्वेद किस चीज से डील करता है, ओके। सो ये डील करता है आपको रिचुअल्स के, रिचुअल्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, ये आपको कौन डील कर रहा है, ये आपको डील कर रहा है यजुर्वेद। और अर्थवेद जो है ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, इट्स वेरी लेटेस्ट, और यहाँ पे आपको हाइम्स मिलेंगे, ओके। सो ये आपको यहाँ तक मैं बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था कि चार पार्ट है, संहिता, ब्रह्म, अरण्यक और उपनिषद, तो ये जो आपका टर्म मिल रहा है ना ब्रह्मास, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा ब्राह्मण से, जो कि एक कास्ट हुआ करता था, एक वर्ण हुआ करता था, ठीक है। असल में यहाँ पे ये जो ब्राह्मण्स हैं ये आपको प्रोज एक्सप्लेनेशन है, और ये किसके प्रोज एक्सप्लेनेशन है, तो ये प्रोज एक्सप्लेनेशन है संहिता पोर्शंस के, ठीक है। और ये हमको डिटेल एक्सप्लेन डिटेल्स और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं सेक्रीफिशियल रिचुअल्स का, मतलब कि वो बता रहे हैं कि सेक्रीफिशियल रिचुअल्स का मतलब कि क्या अर्थ यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा अरण्य, ओके। तो ये है फॉरेस्ट फायर, ओके। और इसका क्या काम है, ये इंटरप्रिटेट करता है सेक्रिफिशियल रिचुअल्स को,
सिंबॉलिक वे में भी ये इंटरप्रेट करेगा और फिलोसफिकल वे में भी इस चीज को इंटरप्रेट करेगा। मान लीजिए कि अगर कोई बकरा को या फिर किसी चीज को वहां पे बलि चढ़ा रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन निकालेगा, अच्छा ये चीज हो सकता है, अच्छा ये कारण रहा होगा इसलिए इसको किया गया है, इसका परिणाम ये आएगा, तो उसको ये लोग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट यू विल सी दे हैव मेंशन अबाउट द उपनिषद, जिसमें से 108 उपनिषद के बारे में बताया है, लेकिन इसमें से केवल इन्होंने बताया कि यहाँ पे केवल 13 ऐसे हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं उपनिषद के, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उपनिषद आप अगर देखिएगा तो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है आपको आत्मा से और ब्रह्म से। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा एक आपको आगे जब आप पढ़िएगा उपनिषद में, तो अभी तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं छोड़ दूँ। ठीक है, ऐसे में बता देता हूँ, एक सीरियल आया करता था डीडी नेशनल पे उपनिषद करके, तो इफ यू लाइक देन यू मे गो ऑन यूट्यूब एंड फाइंड इट आउट दिस सीरीज, वो पूरा आपको सीरियल मिल जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए बुक 227 है ना, ये फैमिली बुक कहा जाता है और इसको कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट बुक। ओके, और बाकी जो लेटेस्ट जो लेटर ऑन पोर्शन जैसे बुक 1, ठीक है, और उसके बाद 8 से लेकर 10 तक ये आपको आ जाता है लेटेस्ट में, लेटेस्ट पार्ट में। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू वेदास के ऊपर एक बार फिर से आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेदास में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल एसोसिएटेड है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल तो हैं लेकिन वेदास में अलग अलग शाखा है, और ये जो शाखा है अलग अलग स्कूल से अपने आप को रिलेट किए हुए, उससे जुड़े हुए, एसोसिएट किए हुए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये जो टर्म शाखा या फिर चरण, ये अधिकतर इस्तेमाल किए गए हैं इंटरचेंजेबली, मतलब कि एक की जगह दूसरे शब्द को मतलब कि ऑफेंट इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पुराना जो अभी तक का सर्वाइविंग शाखा हमारे पास है वो है शाखला शाखा। लेट मी हाईलाइट दिस, या सी दिस वन, शाखला शाखा इज दी ओनली सर्वाइविंग रिसेशन ऑफ ऋग वेदा। ओके, तो ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हमारे पास शाखा है ऋग्वेद का। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यजुर्वेद का जो शाखा है उसको 2 भागों में ये किया गया है, बांट दिया गया है। एक आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है शुक्ला, यह व्हाइट स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक जगह है कृष्णा, यह ब्लैक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाइट स्कूल में कौन कौन से शाख आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको आ जाएंगे यहाँ पे देखिए मध्य दिन, ओके, मध्यम दिन देन कन्वा, ये 2 ऐसे हैं जो कि आपको व्हाइट स्कूल के अंदर फॉल करेंगे, दैट इज शुक्ला। ओके, शुक्ला स्कूल के अंदर कौन आ रहे हैं, मध्य दिना और कन्वा। अब ब्लैक स्कूल कृष्णा स्कूल के अंदर कौन कौन फॉल करेंगे, तो कृष्णा स्कूल के अंदर फॉल करेंगे कपिलस्तुला, मैत्रणी, तैत्तरीय और कत्तक। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के हाईलाइट में, ये आपको फॉल करेंगे किसके अंदर, तो ये फॉल करेंगे ब्लैक स्कूल के अंदर, और ये ब्लैक स्कूल किसके अंतर्गत सब डिवाइडेड किया गया था, तो ये सब डिवाइडेड किया गया था आपको यजुर्वेद के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे यजुर्वेद आर डिवाइडेड टू शुक्ला एंड कृष्णा। अच्छा, तो इसको डिवाइड किया गया तो इसके पीछे कोई मतलब कि कारण तो होगा ना, क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटी है या फिर इसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो असल में यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिएगा अगर आप तो व्हाइट स्कूल जो है शुक्ला स्कूल, यहाँ पे आपको केवल मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस आपको प्रेयर्स लिखे गए हैं, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ब्लैक स्कूल में देखिएगा यहाँ पे तो मंत्र तो लिखे ही गए हैं लेकिन साथ ही साथ उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। सी हियर, मंत्र आर अकम्पनीड बाय अ कमेंट्री डिस्क्राइबिंग एंड डिस्कसिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस रिचुअल। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या आउटकम्स होगा इसका भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब भी किया गया है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा शाम वेद का शाखा। ओके, और यहाँ पे आपको कौन कौन से मिलेंगे, प्रथमा देन जमीमिन्या एंड यू विल गेट रणायण्य,
ओके सो दिस आर दी शाखा ऑफ शाम में सी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव हाईलाइटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जो आपको यहाँ पे अर्थवेद का जो आपको मिलेगा ये आपको शकुना और पपिलाड़ा, ओके तो ये इंपॉर्टेंट शाखा है किसके, अर्थवेदा के, तो आप शाखा याद कर लीजिएगा ठीक है। तो बहुत सारे शाखा का इंस्क्रिप्शन, सॉरी बहुत सारे इसके अलावा भी शाखा हुआ करते थे वेद के, और उसका जिक्र हम लोग को इंस्क्रिप्शंस में मिला है, लेकिन आज के डेट में वो मौजूद नहीं है ठीक है, वो कहीं गुम हो गए हैं, नाउ लॉस्ट। अभी किसी समय वो भी एग्जिस्ट हुआ करते थे ठीक है। तो यहाँ पे आप आइएगा तो ऋग्वेद में एक बुक 7 है, और उस बुक 7 में एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है, बैटल ऑफ 10 किंग। ऐसे मैं बता दूं जो ऋग्वेद है इसको 10 मंडल्स में बांटा गया है ठीक है, इट हैज बीन डिवाइडेड टू 10 मंडल्स, मंडल्स मतलब यहाँ पे किताब है ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस लोग ट्राई कर रहे हैं कि उस चीज को समझने के लिए किस तरीके का कल्चर हुआ करता था वैदिक एज में, तो ये इतना इजी नहीं है इंटरप्रिटेट करना, क्योंकि काफी वास्ट और कॉम्प्लेक्स लिटरेचर है भाई वेद, ऊपर से आप ऋग्वेद पढ़िए तो और भी वास्ट है ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है, वेद को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई डेटिंग का, ये आखिरकार ये कंपोज कब हुआ था। जैसे कि मैंने आपको टाइमलाइन बताया है कि मतलब इसका कोई मतलब कि अप्रोक्स हम लोग नहीं, ये टेंटेटिव है, मतलब कि उसी समय हुआ होगा ये बिल्कुल कह नहीं सकते, एब्सोल्यूट डेट हम लोग नहीं, लेकिन फिर भी एक 19th सेंचुरी के एक आपको मिलेंगे स्कॉलर मार्क्स म्यूलर, तो इनके अनुसार उनकी क्रोनोलॉजी लगभग लेके गया गया है कि 1000 या 1500 से 1000 के बीच में, या फिर 1500 से 500 BC के लगभग में ये सारे टेक्स्ट को कंपोज किया गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको लगता है कि मिथ है, अब हकीकत में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो सवाल ही है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखिएगा तो एक एल की ऐसे पोर्ट्रेट किया गया ना कि जैसे दो डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में मिल रहे हैं और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, ऐसा वहाँ पे शो किया गया है ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू दी वेदांगास, ये वेदांगास क्या है, तो ये असल में एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है किसका, तो वेद का, यहाँ पे जैसे लिखा गया ना लिम्स ऑफ वेद, लिम्स ऑफ वेद ठीक है, तो लिम्स ऑफ वेद किसको कहा गया, तो ये कहा गया है वेदंगा को ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या चीज मिलेंगे, इसका मतलब कि ये एक तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा क्या चीज को समझने में, तो वेदास को समझने में ठीक है, उसको किस तरीके से रिसाइट करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तो ये सब चीजों को समझने में आपको इस्तेमाल पड़ेगा वेदांगास का ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है इस वर्क में आपको देखिएगा, तो आपको शिक्षा जो कि फोनेटिक्स, उच्चारण, साउंड किस तरीके से बोलना है, क्या कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होगा, फिर आपको मीटर, जैसे कि आज के डेट में देखते हैं ना पोइट्री में कि आयम्बिक पेंटामीटर वे पेन ये सब हम लोग देखते हैं, तो ये सब उस समय भी था, और उसको हम लोग क्या कहते हैं चंदा ठीक है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल्स ये सब जो है, तो ये वेद में भी आपको मिलेगा ठीक है। जो म्यूजिकल नोटेशंस आप देख रहे थे ना कि ओरिजिनल मेलोडी बोला गया, तो उसका असल में यही है मीटर्स किस तरीके करेंगे। फिर आपको व्याकरण के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप पन्नी का देखते हैं अष्टाध्याय, पतंजलि का देखते हैं महाअभ्यास, फिर टोलका पियम, तो ये सब तो मतलब कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है। लेकिन वेद में भी आपको यहाँ पे आपको व्याकरण का जिक्र मिला है, जो कि आप पन्नी को लेके चल सकते हैं ठीक है, वो प्री क्लासिकल है ठीक है, तो वहां पे किस तरीके के इस्तेमाल हुए हैं वो आप देखना है ठीक है। फिर एक आपको आता है निरुक्त, मतलब कि इटमोलॉजी मतलब कि रूट वर्ड्स का वो मीनिंग क्या है ठीक है। देन यू विल सी ए कल्प, रिचुअल्स मतलब कि जैसे विवाह हुआ, किसी का डेथ हो गया उस समय क्या रिचुअल्स हुए उसके ऊपर ये है कल्प ठीक है। एंड द लास्ट इज ज्योतिष शास्त्र, मतलब कि कुंडली जन्म कुंडली ये सब जो होता है जन्म पत्री, दैट्स ऑल फॉर
राशिफल, ये सब आपको यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, ये सब सारी चीज ज्योतिष शास्त्र के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वेदांगास को कब कंपोज किया गया, तो ये कंपोज किया गया आपको 600 to 200 BC के लगभग में आपको। तो आगे एक टॉपिक आपको मिलेगा रामायण और महाभारत का। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँ, और अदरवाइज आई विल लगता है इसको अभी ही कर दूँ। देखिए यहाँ पे जो महाभारत और रामायण है, ये तो काफी कॉमन हम लोग डे टू डे लाइफ में इंडिया में हम लोग को पता ही है कि ये दोनों किस इंसिडेंट के बाद, यहाँ पे आपके काम का क्या चीज है तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए ये दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये स्मृति मतलब कि याद करने वाली जो चीज होते हैं जिसको हम लोग रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, उसमें और साथ ही साथ ये इतिहास में भी फॉल करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल हिस्ट्री में हम लोग उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज हाईलाइट किया हुआ है, रामो पख्यान। ओके, रामो पख्यान, असल में ये रामो पख्यान नहीं, ये हमको मिलता है महाभारत के एक खंड में मिल जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, महाभारत के खंड में मिलता है, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि रामायण के जो हीरो हैं इनका उनकी थोड़ा सा जिक्र हमको मिलेगा एक सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा रामायण में क्या क्या मेंशन है, तो कुरु के बारे में मेंशन है, हस्तिनापुर के बारे में मेंशन है, जनजया के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं लगभग लगता है कि रामायण और महाभारत ये दोनों एक दूसरे से काफी प्रचलित थे जिस दौरान ये घटना होती उस दौरान में, लेकिन बाद में ये एक दूसरे के बारे में जानकारी इनको मिल गई होगी। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं, ये 400 CE से 400 BC से 400 CE के बीच में ये कंपोज हुआ हुआ महाभारत की बात कर रहे हैं। रामायण की बात की जाए तो ये आपको 2 4th century BC में कंपोज किया गया, या फिर 3rd century CE जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग अहेड, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको देखिए यहाँ पे जो महाभारत का जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वुमेन्स लोग का वहाँ पे क्या कंडीशन था, सोशल कंडीशन के क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, कि कितने पावरफुल वहाँ पे वुमेन थे। एक प्रैक्टिस यहाँ पे आपको मिलेगा, नहीं होगा, असल में ये होता था प्रोजेनी के लिए, अगर किसी भी स्त्री को उसके हस्बैंड से कि प्रोजेनी नहीं हो रहा है, तो वो हस्बैंड के परमिशन से कि किसी और मतलब कि उसी फैमिली में या उनके भाई हो या फिर उनके सगे संबंधी, तो उनके साथ वो आगे जाके प्रोजेनी को जन्म दे सकती हैं, इसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ओके, नाउ कमिंग, देखिए महाभारत में 18 बुक्स में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कौरव और पांडव के बारे में ज्यादातर मेंशन किया गया है, प्लस आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको रामायण के बारे में बताया गया कि इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को ऋषि व्यास ने लिखा है। तो वाल्मीकि जी का जो भी वर्जन है इसको सबसे ओल्डेस्ट माना गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिएगा 7 खंड में है, तो यहाँ पे सबसे पहला है बाल खंड, यहाँ पे प्रभु श्री राम का बचपन का जिक्र है, फिर उत्तरखंड, इसके बीच में आपको मिलेगा सुंदरखंड। ओके, तो उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब यहाँ सॉरी, हाँ, ये रामायण का अलग अलग वर्जन भी आपको मिलेगा, जैसे जैन वर्जन मिलेगा, बुद्धिस्ट वर्जन मिलेगा, देने विगर्दित तमिल वर्जन। ओके, तो जो जैन वर्जन है ये आपको लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में, और इसको लिखा किसने, विमला सूरी ने, और इस बुक का क्या नाम है, पौ मचूरी। ओके, और जो बुद्धिस्ट वर्जन है इसको लिखा गया पाली लैंग्वेज में, और इसका जो बुक का नाम है दशरथ जातका। ओके, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा, इसके अलावा भी और सारे वर्क हैं लिखे गए हैं, लेकिन ये थोड़े मेन है, जैसे जैन वर्जन हुआ, बुद्धिस्ट वर्जन हुआ, जैन यूविल सी रामचरितमानस हुआ। उसके अलावा आप देखिएगा तो ये जो राम जो है, जैसे हम मेंशन किया है रामा लीजेंड, तो इनकी कहानी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी आप देखिएगा कि वहाँ पे बोले जाते हैं, तिब्बत हुआ, म्यांमार हुआ, लास हुआ, कम्बोडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में इनका जिक्र किया गया है। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे एक आपको छोटा सा कॉलम मिलेगा आर्कोलॉजी और ये महाभारत के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो महाभारत में जो प्लेस मेंशन है, हस्तिनापुर हुआ, पानीपत हुआ, भागपत, मथुरा, बैरक, ये सब यहाँ पे जब एक्सकवेशन हुआ था तो यहाँ पे जो पोल्ट्री मिला है ये पेंटेड ग्रेवियर का हमको मिला है, जो कि 1000 BC के लगभग में डेट में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि उस समय के लोगों का सोसाइटी कैसा था, लिविंग कंड, तो ये पैश्चुरल कम एग्रीकल्चरल लाइफ स्टाइल को जिया करते थे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा किंग का मैंने नाम हाईलाइट किया है, निक्षक्ष। ओके, तो इनके समय में ऐसा बताया जाता है कि हस्तिनापुर में बाढ़ आ गया, तो और इसका जिक्र हमको कहाँ मिल रहा है, तो इसका जिक्र हम लोग को मिल रहा है मत्स्य पुराण और वायु पुराण, ये दो पुराण में हम लोग को जिक्र मिलता है कि जब वहाँ के राजा निक्षकु हुआ करते थे तो हस्तिनापुर में बाढ़ आ गया था, जिसके कारण उस जगह को पूरी तरीके से खाली करना पड़ा था। और ये किसके ग्रैंडसन थे, तो ये अर्जुन, याद है महाभारत के अर्जुन, तो उनके ही ये ग्रैंडसन हुआ करते थे। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक नया कैपिटल शिफ्ट कर दिया जाता है आपको कौशाम्बी में। ठीक है, सॉरी, हाँ कौशाम्बी में। और जब यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था, देखिए एक्सकवेशन क्यों हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको, सॉरी उस जगह पे आऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक यहाँ पे गांव को उनकी छोड़ दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कोई लोग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग देखे हैं जाके, तो ऐसा एविडेंस हमको मिला है कि यहाँ पे किसी समय में गंगा नदी से फ्लड आया था, बाढ़ आया था, जिसके कारण यहाँ से लोगों को हटना पड़ता कई सदियों तक। लेकिन अब ये बाढ़ जो है वही बाढ़ है जो इस पुराण में लिखा गया है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और तरीके का बाढ़ हो, ये भी तो हो सकता है। तो अब क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लिख दिया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस वाज द सेम फ्लड मेंशन इन पुराण, वही फ्लड है कि नहीं ये भी सही से पता नहीं। फिर आ जाते हैं हम लोग पुराना किला के ऊपर जो दिल्ली का है। ठीक है, तो इस प्लेस को मार्क किया गया है जैसे कि लोकली वहाँ पे जो ट्रेडिशन चलता है कि ये मतलब कि कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ जो पांडव का कैपिटल था उसके ऊपर ये बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पे एक वर्क है तारीख फिरोज शाही। ओके, और ये इस वर्क को किसने कहा है, शाम सिराज अफीफ द्वारा ये वर्क को लिखा गया है, ये 14वीं शताब्दी का वर्क है। ठीक है, जिसके और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंद्रप्रस्थ अभी हेडक्वार्टर हुआ करता था उस डिस्ट्रिक्ट का, प्रांगण। ओके, प्रांगण होता है डिस्ट्रिक्ट। ओके, और एक 14वीं शताब्दी में हमको इंस्क्रिप्शंस भी मिला है, जिसका आपको मिलेगा नरन्या विलेज में, ये वेस्टर्न दिल्ली में आपको मिलेगा ये विलेज। ठीक है, तो ये भी मेंशन करता है इंद्रप्रस्थ के बारे में। ठीक है, फिर आईने अकबरी अब्दुल फजल, इनका ये वर्क है, और ये कहते हैं कि हुमायूं फोर्ट जो है ये किसके ऊपर बना है, किस जगह पे, तो ये इंद्रप्रस्थ के जगह बना है, जो कि कैपिटल हुआ करता था पांडव का। ठीक है, तो इतना सब कुछ पता चला। तो क्या इसके एक्सकवेशन हुआ, तो हाँ एक्सकवेशन हुआ है 1954 में हुआ है, 1971 में, और अभी ये कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी प्रोग्रेस में। तो जब वहाँ पे खुनाई हुआ, एक्सकवेशन हुआ, तो वहाँ पे हम लोग को मिलता है कि 4th सेंचुरी BC के लगभग के समय का हम लोग को वहाँ पे मटेरियल्स मिल रहा है, और वो क्या है, तो पोल्ट्री हम लोग को मिला है पेंटेड ग्रेवियर, और ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ओल्ड सेटलमेंट हुआ करते थे किसी समय में। ओके, लेकिन ये वही सेटलमेंट है कि नहीं, इसका भी मतलब कि कोई मतलब कि हम लोग को सही से मतलब कि हम लोग नहीं बता सकते। देखिए क्योंकि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है ना, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो ये आसान है, इट कैन नॉट इजली बी यूज टू कोऑपरेट टेक्सुअल डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल्स और इवेंट। ओके, तो इस चीज को हम लोग नहीं कह सकते कि वही चीज है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई सेटलमेंट वहां पे था। अब वो पांडव का ही था या फिर कोई और लोग हुआ करते थे, इसका यहाँ पे देखिए ये उतना जरूरी नहीं है क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक जैन टेक्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे रावण को है ना ट्रेजिक हीरो बताया गया। देखिए ये जो है ना वर्क ओमच चारू, ओके, तो यहाँ पे रावण को एज अ ट्रेजिक हीरो बताया गया। और यहाँ पे लिखा गया है कि रावण को किसने मारा था, रावण को लक्ष्मण ने मारा, ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है कि राम भगवान ने उनको नहीं मारा है, ठीक है, उनको लक्ष्मण जी ने मारा है, ठीक है। तो ये जैन टेक्स्ट में देखिए इसके पीछे लिखने का कारण था क्योंकि वो राम जी को है ना एज अ वर्च्यू देखते थे, ठीक है, नॉन वायलेंस, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कि उनको कहा, तो उनका इमेज काफी क्लियर रखा गया, ठीक है, हिंसावादी उनको नहीं दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मण को शो किया गया कि इन्होंने ही मारा है राम को, ठीक है। तो रामायण के ऊपर काफी टीवी सीरियल्स भी बना हुआ है, इसको अलग अलग तरीके से उनके परफॉर्म भी किया जाता है, आर्ट और आर्ट के फॉर्म में, स्कल्पचर के फॉर्म में, पेंटिंग, डांस, ड्रामा और टीवी सीरियल जैसे कि मैंने आपको बताया वो बन चुका है, ठीक है। लेटर ऑन वी विल मूव टू पुराण, ओके। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा लेक्चर, एंड देन आई विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट डे। सो बाय द टाइम बी कनेक्टेड एंड आई एंड अप माय लेक्चर, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।